पटना में तेज प्रताप के अलग पार्टी बनाने और जरूरत पड़ी तो आरजेडी पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा वाली बयान के आते ही आरजेडी पार्टी में भूचाल आ गया। उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी तेज प्रताप के बगावत पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय तक ने इस पूरे घटनाक्रम पर निशाना साधा है। सर, तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है लालू राबड़ी मोर्चा बनाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये आरजेडी परिवार की पार्टी है, उसको जनता की कोई चिंता नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। और जब परिवार में स्वार्थ की टकराहट होती है, यही परिणति होती है, परिवार की पार्टी परिवार के झगड़े में पूरी तरह बिखर जाएगी, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। सर, सारण से सीट से चुनाव भी लड़ने वाले हैं तेज प्रताप, ये उनका अपना मामला है पार्टी का, और लोकतंत्र में ये पुश्तैनी सीट कहां उचित है वो उनका अपना मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने कहा था कि परिवार की पार्टी है और परिवार का कलह पार्टी को लेट। वहीं इस बगावत के बाद से आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी घबरा गई है। लेकिन अब मुसीबत में साथी काम न आया तो फिर साथी होने का मतलब क्या है? कांग्रेस भी इसी तर्ज पर काम करती दिख रही है। सुन लीजिए क्या कहा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने। जो आरजेडी में जो हो रहा है महागठबंधन में तेज प्रताप जी को लेकर, उन्होंने कहा है कि 20 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा सर ऐसा? आपसी कुछ मतलब घर का आपसी है, वो आरजेडी का झंझट है, समझते हैं जो सभी लोग सक्षम हैं उसको सुलझाने के लिए। सर, नोटिफिकेशन हो गया है उजियारपुर सीट के लिए, लेकिन अभी तक तो उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, तो देरी की बस है? उम्मीदवार जब नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद ना उम्मीदवार बताइएगा। जब तक अंतिम दिन तक नॉमिनेशन नामांकन चलता है, जब तक आपका उसका समय नहीं बीत जाता तब तक तो सभी चीज़ खुला हुआ है। आप देखते हुएगा ज़्यादातर उम्मीदवार अंतिम दिन ही नामांकन करते हैं अपना, इसमें कोई देरी नहीं हुई है। और जैसे जैसे नामांकन का तिथि आता है, फेज आता है, लोग नामांकन करते हैं अपना। आपको लग रहा है कि देरी नहीं हुई है? नहीं नहीं, कोई विलम्ब नहीं हुई है। सर, कितने तैयार है सर महागठबंधन इस चुनाव में? पूरी तरह से महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और नेता जितने तैयार हैं उससे ज़्यादा जनता तैयार है। तेज प्रताप के प्रकरण से सभी परेशान हैं और घबराए हुए भी, क्योंकि अगर उम्मीदवार उतारने का तेज का फैसला अंतिम है तो फिर इस चुनाव में महागठबंधन की भारी फजीहत होने वाली है। राजेश कुमार झा, पटना सिटी, बिहार तक।